हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एसपी विराज। आज हम 21 अक्टूबर 2018 के रेलवे ऑनलाइन एग्जाम के ऑल शिफ्ट के क्वेश्चन और आंसर एक आपको एक साथ ही वीडियो में दिखाएंगे, जिससे आपका समय खराब ना हो और आपको आने वाले एग्जाम में पता चल जाए कि कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सिस बैंक के CEO कौन है? तो इसका आंसर है सीका शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो आंसर होगा विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 3, साकेत के रचयिता कौन है? मैथिली शरण गुप्त। क्वेश्चन नंबर 4, 21वें राष्ट्रीय मंडल खेल 2018 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये हुआ था गोल्ड कोस्ट ऑस्ट्रेलिया में। क्वेश्चन नंबर 5, ध्वनि किसमें मापी जाती है? तो ये मापी जाती है डेसिबल में। क्वेश्चन नंबर 6, विश्वनाथ आनंद किस खेल से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा शतरंज से। क्वेश्चन नंबर 7, जूल किसका मात्रक है? तो आंसर है ऊर्जा का। क्वेश्चन नंबर 8, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? इसका आंसर होगा मुंबई। क्वेश्चन नंबर 9, सूर्य की ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय सलयन है। क्वेश्चन नंबर 10, बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? तो इसका आंसर होगा लेमार्क। क्वेश्चन नंबर 11, राजाजी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है? आंसर होगा उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर होगा सुमित्रा महाजन। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको हर एग्जाम में, रेलवे एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13, वेग और द्रव्यमान का गुणनफल क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा संवेग। क्वेश्चन नंबर 14, देश में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है? आंसर है अरुणाचल प्रदेश, जो हमारे पूर्व में फर्स्ट देश है। क्वेश्चन नंबर 15, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निर्देशक कौन है? इसका आंसर है एस सोमनाथ। क्वेश्चन नंबर 16, रोवर्स कप किससे संबंधित है? आंसर है फुटबॉल से। क्वेश्चन नंबर 17, शून्य का आविष्कार किसने किया था? तो शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया। क्वेश्चन नंबर 18, चीन के राष्ट्रपति कौन है? तो आंसर है सी जिनपिंग। ये क्वेश्चन भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको भी रेलवे एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 19, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग। क्वेश्चन नंबर 20, कर्नाटक की राजधानी क्या है? बेंगलुरु। तो राजधानी से क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप सभी राज्यों की राजधानी, उसके CM और गवर्नर को ज़रूर याद करके जाए। क्वेश्चन नंबर 21, दूध का रंग पीला किस कारण होता है? आंसर है कैरोटीन। क्वेश्चन नंबर 22, दशमलव पद्धति का उदय कहाँ हुआ? तो आंसर होगा भारत में। क्वेश्चन नंबर 23, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? तो आंसर होगा 35 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 24, इंद्र 2017 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन दो देशों के बीच हुआ है? तो आंसर है भारत और रूस के बीच। ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, तो आप सैन्य अभ्यास के सारे क्वेश्चन एक बार देख कर जरूर जाएं, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर है? आंसर है नर्मदा नदी। क्वेश्चन नंबर 26, ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग किस में किया जाता है? आंसर है संचार में। क्वेश्चन नंबर 27, स्वच्छ भारत मिशन के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो इसका आंसर है शिल्पा शेट्टी। और ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है, फिल्म फेयर पुरस्कार की शुरुआत कब हुई? तो ये हुई थी 1953 में। ये तो सारे क्वेश्चन हुए, ये सारे क्वेश्चन विज्ञान और करंट अफेयर के जो भी क्वेश्चन थे तीनों शिफ्ट के, वो आपको मिल चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन
मैथ के सारे क्वेश्चन जो तीनों स्थिति में पूछे गए हैं। तो इसका क्वेश्चन नंबर वन है, अगर किसी संख्या के दो बटे नौ का, सात बटे चार बटे सात का और तीन बटे पाँच भाग 24 हो तो वह संख्या क्या होगी। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दो, किसी वस्तु को 630 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है तो बताओ 910 रुपये बेचने में पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो एक क्वेश्चन लाभ पर लाभ हानि से भी पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर तीन, कोई राशि 10% की दर से कितने समय से तीन गुनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर पाँच, पाँच लगातार सम संख्याओं का औसत 40 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। इसमें आपको सम संख्या, विषम संख्या कुछ भी पूछ सकते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को एक बार ज़रूर देख के जाइए। क्वेश्चन नंबर पाँच, राम किसी कार्य को 12 दिन में करता है तथा श्याम उसे 15 दिन में पूरा कर सकता है तो बताओ दोनों मिलकर उसे कितने दिन में पूरा करेंगे। ये वर्क एंड टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर छः, तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की तीन गुनी तथा तीसरी संख्या दूसरी संख्या की आधी है, यदि तीनों संख्याओं का औसत 24 हो तो पहली संख्या कौन सी होगी। क्वेश्चन नंबर सात, 923 रुपये को ए बी तथा सी में 1/2 अनुपात 1/3 अनुपात 1/4 के अनुपात में बांटना है तो ए का मान कितना होगा। ये क्वेश्चन अनुपात से पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर आठ, एक कार 4 घंटे में 144 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो बताओ वह 9 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्वेश्चन नंबर नौ, 600 का 5% का 25% का मान कितना होगा। ये प्रतिशत से क्वेश्चन पूछा गया है। और दोस्तों एक क्वेश्चन ये भी है, 3/7 × 2 = 1/9 × 2 = 4/19 इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आपको हम ब्रांड एम्बेसडर से जितने भी ब्रांड एम्बेसडर हैं उनकी पीडीएफ फाइल दे देंगे और आप सीएम गवर्नर को ज़रूर याद करके जाइए और राज्य की राजधानियाँ उनको भी याद कर लीजिए और देश की राजधानियाँ उनकी मुद्रा उन सबको को भी ज़रूर याद करके जाइए। राष्ट्रपति देश के इन सबको भी ज़रूर याद करके एक बार ज़रूर याद करके जाइए। दोस्तों आपको कोई भी पर्सन पता चले तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट्स एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम, जय हिंद।